हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मोदी जी द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यू का भी पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली वीडियो के कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और सपोर्टिंग भी लगे थे और शायद आपको भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कमेंट लिया गया है अभिषेक पाल जी का, जिन्होंने कहा है कि वीडियो अच्छी है, ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो अभिषेक पाल जी, आपका धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा। और अगर बात रही मेहनत की, तो हम मेहनत करते ही रहते हैं आपको एक अच्छे से अच्छा और बेहतर कंटेंट देने के लिए। तो यहाँ पर सेकंड कमेंट लिया गया है चंदन सिंह जी का, जिन्होंने लिखा है, यस सब लोग सपोर्ट करो लॉकडाउन को। जी हाँ, आप सभी लोग लॉकडाउन को सपोर्ट कीजिए। अगर आप लॉकडाउन से हुए फ़ायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिए और इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लॉकडाउन से हमें और हमारे भारत देश को कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। अगर हम सभी लोग मिलकर एक साथ 21 डेज का ये लॉकडाउन बिल्कुल पूर्ण रूप से अगर अप्लाई कर लेते हैं, तो हम इस मुसीबत से बहुत ही आसानी से पार निकल जाएंगे और कोरोना वायरस को हरा देंगे। तो आज की इस थोड़ी फूड और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में। कैसा है ये स्मार्टफोन और क्या है इसकी खास बातें और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इस फोन में डिस्प्ले की, तो आपको इस फोन में डिस्प्ले 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है विथ 1080x2400 रिजोल्यूशन के साथ में। और अगर साथ ही बात कर लें इस फोन में फ्रंट कैमरा की, तो आपको इस फोन में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है विथ f2.0 अपर्चर के साथ में। और इस फोन में फ्रंट कैमरा के साथ आपको एक प्लस पॉइंट भी मिलता है, क्योंकि इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो पंच होल डिस्प्ले के साथ में दिया गया है। यहाँ पर कोई भी नॉच नहीं है, सभी लोग नॉच से परेशान हो चुके हैं। तो अब रेडमी ने कुछ नया किया है और अच्छा किया है। अब अगर बात कर लें इस फोन के बैक कैमरास की, जी हाँ, यहाँ पर आपको बैक में AI क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर मेन प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है विथ f1.79 अपर्चर के साथ में। और जो यहाँ पर आपको सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलने वाला है वो है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और जो थर्ड कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट के लिए। और यहाँ पर जो लास्ट कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसरिंग के लिए। और साथ ही साथ अगर बात कर लें इस फोन में ताकत किस प्रोसेसर की लगी हुई है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन में प्रोसेसर कौन सा दिया गया है। तो इस फोन में प्रोसेसर दिया गया है आपको Qualcomm Snapdragon का 720G, जो कि गेमिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। ओवरऑल अगर बात कर लें आपकी सिक्योरिटी की, तो इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट ऑन और लॉक वाले बटन के ऊपर दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। और अब अगर बात कर लेते हैं सिम मैनेजमेंट की, तो इस फोन में आपको ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर पाएंगे, जो कि इस फोन का प्लस पॉइंट है। अब अगर बात कर लेते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मेन पार्ट के बारे में, जी हाँ, इस फोन में आपको बैटरी देखने को मिलने वाली है 5020 mAh की, जो कि एक काफ़ी बड़ी बैटरी है और आपको एक बेहतर और स्ट्रांग बैटरी बैकअप देने का दम रखती है। अब अगर बात कर लेते हैं इस फोन के चार्जिंग सिस्टम के बारे में, तो आपको इन बॉक्स 18W का फास्ट चार्जर विथ Type-A to Type-C डाटा केबल के साथ देखने को मिलता है। इस फोन के चार्जर को आप फास्ट चार्जर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मीडियम चार्जर बोल सकते हैं। इस फोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। ओवरऑल सभी चीज़ों को साइड में रखकर अब बात कर लेते हैं MI Note 9 Pro के प्राइस के बारे में। तो इस फोन का प्राइस रखा गया है 13,000 रुपीज़। जी हाँ, 12,999 रुपीज़ का ये फ़ोन आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। तो ये थी कहानी Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन की। तो आपको इन स्पेसिफिकेशंस और इस प्राइस पर ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप 13,000 रुपीज़ किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, Realme 6 में या फिर Redmi Note 9 Pro में। और हाँ, जिसने Realme 6 की वीडियो ना देखी हो और देखना चाहता हो, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और हाँ, जिसने भी इस वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।
और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत सारा मोटिवेशन देता है एक नई और एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। और इन लास्ट आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, कोरोना वायरस, जी हाँ, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये हमारे भारत में कितनी तेज़ी से फैला है। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कोरोना कवच। आप भी ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियों को सबसे पहले अपडेट कर दिया जाता है और आप भी इन सभी जानकारियों के हकदार हैं। और लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी द्वारा चलाए गए सोशल डिस्टेंसिंग को आप अपनाइए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाते हैं तो आपके साथ कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ नहीं यार, दिमाग खराब है यार। अरे यार, दुख बांटने से घटता है, तू बता तो सही क्या हुआ है। ला सिगरेट ला। अरे वही यार, कोरोना वायरस हो गया यार। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और क्या सीखा है वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर से बताइएगा। और हाँ, सड़कों पर बेफालतू में मत घूमिए, क्योंकि एक बेफालतू में घूमते हुए लड़के को पुलिस वाले अंकल ने पकड़ा और 4 लठ दिए। और तो और, उसके कपड़े देखने के बाद पुलिस वाले अंकल ने उसे 6 लठ और दिए। क्यों दिए वो आप इस फोटो में देखिए। तो चलिए, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत सारा मोटिवेशन देता है एक नई और एक्साइटिंग यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।